LibreOffice Draw रे ऑब्जेक्ट सहित काम करिवार बेसिक्स ऊपर स्पोकन ट्यूटोरियल को स्वागत। एही ट्यूटोरियल में सिखिबा ऑब्जेक्ट को कट कॉपी पेस्ट करिवा, हैंडल्स व्यवहार करी ऑब्जेक्ट को रिसाइज करिवा, ऑब्जेक्ट गुडी को अरेंज करिवा, ऑब्जेक्ट गुडी को ग्रुप और अनग्रुप करिवा, गोटे ग्रुप रे एक ऑब्जेक्ट को एडिट करिवा, गोटे ग्रुप मध्य रे ऑब्जेक्ट को घुंचाइबा। एठारे आमे Ubuntu Linux वर्जन 10.04 एवं LibreOffice Suite वर्जन 3.3.4 व्यवहार करुछु। आमे डेस्कटॉप रे सेफ करितवा वाटरसाइकल फाइल को खोलंतु। एबे एही छवि रे तीनोटी अधिक क्लाउड्स कॉपी करी पेस्ट करंतु। प्रथमे क्लाउड सिलेक्ट करंतु, तापरे कॉन्टेक्स्ट मेनू पई राइट क्लिक करी कॉपी क्लिक करंतु। एहा परे पेज उपरे कर्सर रखंतु, पुणी थरे कॉन्टेक्स्ट मेनू पई राइट क्लिक करंतु ओ पेस्ट क्लिक करंतु। किंतु आमे केवल गोटिए क्लाउड देखि परिबा। आमे कॉपी करी पेस्ट करितबा क्लाउड कोडे गला, कॉपी करा जायतबा क्लाउड ओरिजिनल क्लाउड उपरे पेस्ट होईछि। क्लाउड को सिलेक्ट करी बामकु घुंचंतु। चलंतु समान ढंगरे आउ गोटिए क्लाउड तयार करिबा। क्लाउड सिलेक्ट करंतु, कॉन्टेक्स्ट मेनू पई राइट क्लिक करी कॉपी क्लिक करंतु। पुणी थरे कॉन्टेक्स्ट मेनू पई राइट क्लिक करी पेस्ट क्लिक करंतु। एबे एही क्लाउड को सिलेक्ट करंतु एवं बामकु घुंचंतु। ऑब्जेक्ट गुडी कर कॉपी करिवा पई आमे शॉर्टकट की मध्ये व्यवहार करि परिबा। ऑब्जेक्ट को कॉपी करिवा पई कंट्रोल सी, ऑब्जेक्ट को पेस्ट करिवा पई कंट्रोल वी, ऑब्जेक्ट को कट करिवा पई कंट्रोल एक्स। क्लाउड सिलेक्ट करंतु एवं एककालीन कंट्रोल एवं सी की दबंतु। क्लाउड कॉपी हो जायछि। पेस्ट करिवा पई एककालीन कंट्रोल एवं वी की दबंतु। एबे क्लाउड सिलेक्ट करंतु एवं वांछित स्थान रे रखंतु। ट्यूटोरियल को विराति देई एही असाइनमेंट करंतु। ड्रॉ फाइल रे दुईटी पेज जोडंतु। प्रथम पेज रे दुईटी ऑब्जेक्ट अंकंतु। प्रथम पेज रु द्वितीय पेज को गोटिए ऑब्जेक्ट कॉपी करंतु। कॉपी करा जायथुबा ऑब्जेक्ट केउठी रहिला चेक करंतु। एक ऑब्जेक्ट को कट करी पेस्ट करंतु। एथि पई आपण शॉर्टकट की व्यवहार करि परिबे। कट कला बेले जदि ऑब्जेक्ट रो कॉपी तयारी होईछि चेक करंतु। क्लाउड रो साइज कमाइबा। तेबे प्रथमे एहा को सिलेक्ट करंतु। एबे हैंडल गुडी को देखा जिवो। एहा पर एरो हेड दिसिबा पर्यंत गोटिए हैंडल उपरे कर्सर रखिबा। एबे क्लाउड को छोट करिवा पई माउस रो बाम बटन दाबी एरो को भीतर आड़ को ड्रैग करंतु। एहा को बड़ करिवा पई एरो को बाहर आड़ को ड्रैग करंतु। एही एरो को लंबा करिवा पई प्रथमे सिलेक्ट करंतु। एबे गोटिए हैंडल उपरे कर्सर बुलांतु। कर्सर अग्रभाग रे एक स्क्वायर बेनिथ सहित एक छोटिया ट्रांसपेरेंट एरो देखा जिवो। एबे कीबोर्ड रे शिफ्ट की दाबंतु, एरो रो हैंडल व्यवहार करी माउस रो बाम बटन दाबी तळकु ड्रैग करंतु। शिफ्ट की दाबी ऑब्जेक्ट को रिसाइज करबा बहुत सहज नुहे कि? एक ऑब्जेक्ट रो हैंडल्स व्यवहार करी रिसाइज करबा को डायनामिक रिसाइजिंग कहा जाए। एहार अर्थ आमे सठिक मेजरमेंट व्यवहार करूनाहुं। परवर्ती ट्यूटोरियल ले ठीक भावरे ऑब्जेक्ट को रिसाइज करबा विषय रे सिखिबा। समान ढंग रे एही आयत क्षेत्र रो प्रस्थ बढ़ाइबा। आयत क्षेत्र को सिलेक्ट करंतु, कीबोर्ड रे शिफ्ट की दाबी एहा को ऊपर को ड्रैग करंतु। ड्रॉ विंडो रो तळे थिबा स्टेटस बार को देखंतु। ध्यान दियंतु, पुणी थरे आयत क्षेत्र को रिसाइज करले डायमेंशन रे परिवर्तन हेबो। स्टेटस बार ऑब्जेक्ट रो परिवर्तन को पोजीशन एवं डायमेंशन रे देखाइबो। एबे एठारे देखा जाउथिबा परी बादल एवं सूर्य को सजांतु। बादल गुडी को चिन्हट करिवा पई बामरु डाहाण को 1 2 3 4 संख्या द्वारा चिन्हित करंतु। संख्या गुडी को इंसर्ट करिवा पई एही बादल को सिलेक्ट करंतु। डबल क्लिक करी 1 टाइप करंतु। सही परि अन्य बादल गुडी को मध्य संख्या द्वारा चिन्हित करंतु। एबे क्लाउड 4 को सिलेक्ट करंतु एवं सूर्य ऊपर रखंतु। एहा को सूर्यक पछ को पठाइबा पई कॉन्टेक्स्ट मेनू पई क्लाउड ऊपर राइट क्लिक करंतु। अरेंज क्लिक करी सेंड बैकवर्ड सिलेक्ट करंतु। एबे क्लाउड 4 सूर्यक पछ को चली गला।
सेंड बैकवर्ड एक ऑब्जेक्ट को सांप्रतिक लेयर पछकु पठाई दिए। एबे क्लाउड 3 को सिलेक्ट करी सूर्य को ऊपर रखंतु। कॉन्टेक्स्ट मेनू पर राइट क्लिक करंतु, अरेंज क्लिक करी सेंड टू बैक सिलेक्ट करंतु। एबे क्लाउड 3 सूर्य एवं क्लाउड 4 पछरे रहिला। सेंड टू बैक एक ऑब्जेक्ट को शेष लेयर को पठाई दिए। स्लाइड रे दिया जायथिबा भली एबे एही बादल गुडी को सजाइबा अति सहज होई गला। क्लाउड 4 सिलेक्ट करंतु। कॉन्टेक्स्ट मेनू पई राइट क्लिक करंतु, अरेंज क्लिक करी ब्रिंग टू फ्रंट क्लिक करंतु। ब्रिंग टू फ्रंट एक ऑब्जेक्ट को प्रथम लेयर को आणे। एहा परे क्लाउड 3 सिलेक्ट करंतु। कॉन्टेक्स्ट मेनू पई राइट क्लिक करंतु, अरेंज क्लिक करी ब्रिंग फॉरवर्ड क्लिक करंतु। ब्रिंग फॉरवर्ड एक ऑब्जेक्ट को गोटिए लेयर आगो को आणे। एबे क्लाउड 2 सिलेक्ट करी क्लाउड 1 ऊपर रखंतु। स्लाइड रे प्रदर्शित परि बादल गुडी को सजाड़ी होई रहिला। एहा परे क्लाउड रु संख्या गुडी को डिलीट करंतु। सही परि क्लाउड सिलेक्ट करी डबल क्लिक करंतु। एहा परे संख्या सिलेक्ट करंतु एवं कीबोर्ड रे डिलीट की दाबंतु। ट्यूटोरियल को विरति दे एही असाइनमेंट करंतु। एक सर्कल स्क्वायर एवं स्टार अंकंतु तले प्रदर्शित परि रखंतु। प्रत्येक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करंतु एवं अरेंज मेनू रु प्रत्येक ऑप्शन प्रयोग करंतु। प्रत्येक ऑप्शन पई किपरि छवि गुडी कर अवस्थिति परिवर्तन हेउची देखंतु। एही स्लाइड रे प्रदर्शित ऑब्जेक्ट को उचित स्थान रे रखंतु एवं ब्रिंग टू फ्रंट ओ सेंड टू बैक ऑप्शन परीक्षा करंतु। एहा पर गच्छ गुडी को ऐड करंतु जेपरि वाटर साइकिल डायग्राम पई एही स्लाइड रे देखा जायछि। एक ब्लॉक एरो एवं एक एक्सप्लोजन व्यवहार करी गोटिए गच्छ आंकिबा। चलंतु इनसर्ट एवं परे स्लाइड उपरे क्लिक करी एही ड्रॉ फाइल रे एक नुआ पेज जोडिबा। एहा आमा फाइल रे एक नुआ पेज जोडिबो। गच्छर गंडी आंकिबा पई ड्राइंग टूलबार रु ब्लॉक एरोज सिलेक्ट करंतु। उपलब्ध आकृति गुडी को देखिबा पई छोटो कला त्रिभुज उपरे क्लिक करंतु एवं स्प्लिट एरो सिलेक्ट करंतु। पेज उपरे कर्सर रखंतु। माउस रो बाम बटन दाबी तळकु एवं प्रांत को ड्रैग करंतु। आपण दुईटी डाळ थिबा एक गच्छर गंडी आंकी छंती। चलंतु डाळ रे पत्र जोडिबा। ड्राइंग टूलबार रु स्टार्स सिलेक्ट करंतु। एहा परे छोटो कला त्रिभुज उपरे क्लिक करी एक्सप्लोजन सिलेक्ट करंतु। एबे ड्रॉ पेज को आसंतु। एरो रो बाम डाळ रे कर्सर रखंतु। आकार आंकिबा पई माउस रो बाम बटन दाबी बाम को ड्रैग करंतु। आमे गछरे पत्र गुडी को ऐड करि देले। आमे एही आकृति को गछरो डाहन डाळ रे मध्ये कॉपी करिबा। आकार सिलेक्ट करंतु। कॉपी करिबा पई कीबोर्ड रे कंट्रोल सी की दाबंतु। एहा परे पेस्ट करिबा पई कंट्रोल वी की दाबंतु। एबे आकृति को गच्छर डाहन डाळ को नियंतु। आमे एक गच्छ आंकिछे। गच्छ को सिलेक्ट करी तळ को नियंतु। केवल गच्छर गंडी तळ को जीव पत्र गुडी को नुहे। एठारे गच्छ गंडी एवं दुईटी पत्र भिन्न ऑब्जेक्ट भली व्यवहार करंती। गच्छ गंडी को पूर्व स्थान रे रखंतु। एबे एक सिंगल यूनिट रे गच्छर गंडी और दुईटी पत्र को किपरि ग्रुप करा जाय सिखिबा। एक ग्रुप रे कोनोसे परिवर्तन कले ग्रुप भितर थिबा समस्त ऑब्जेक्ट पई लागू हेबो। प्रथमे पेज उपरे क्लिक करंतु तेबे कोनोसे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हेबो नाही। एहा परे ड्राइंग टूलबार रु सिलेक्ट क्लिक करंतु। कर्सर को पेज उपर को आनी क्लिक करंतु। तेबे माउस रो बाम बटन दाबी ड्रैग करंतु तेबे जे समस्त ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हेबो। एक डॉटेड रेक्टेंगल देखि परिबे। एही आयत क्षेत्र भितरे गच्छर समस्त ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होइछि कि नाही निश्चित हुवंतु। गोटिए छेड़ी गोटिए शिफ्ट की दबाई दुईटी किंबा अधिक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करि परिबे एवं एहा परे प्रत्येक ऑब्जेक्ट उपरे क्लिक करंतु। कॉन्टेक्स्ट मेनू पई राइट क्लिक करि ग्रुप सिलेक्ट करंतु। एबे गच्छ भितरे जे कोनसे ऑब्जेक्ट उपरे क्लिक करंतु जेमिति सेगुडीको जेपरि एक सिंगल ऑब्जेक्टर अंश हैंडल्स सही परे देखा जिवो। एही ऑब्जेक्ट गुड़िको एबे एक सिंगल यूनिट भली व्यवहार करिवे। अलग ऑब्जेक्ट गुड़िको सदृश सेगुड़िको अनग्रुप करिवा पई गच्छ को सिलेक्ट करी राइट क्लिक करंतु एवं अनग्रुप क्लिक करंतु। एबे ऑब्जेक्ट गुड़िको तीनोटी भिन्न ऑब्जेक्ट भली व्यवहार करिवो। पुणी थरे सेगुड़िको ग्रुप करंतु।
शिफ्ट की दबाई गोटिए परे गोटिए ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करंतु। राइट क्लिक करी ग्रुप सिलेक्ट करंतु। गच्छ को प्रथम पेज माने मुख्य ड्राइंग पेज को कॉपी करंतु। तेणु कॉपी करिवा पई कंट्रोल सी दबंतु। प्रथम पेज रे क्लिक करंतु एवं पेस्ट करिवा पई कंट्रोल वी दबंतु। एबे एक ग्रुप भितरे गोटिए ऑब्जेक्ट को एडिट करिवा पई कोन करिवा ऑब्जेक्ट गुड़ी को अनग्रुप एवं रीग्रुप न करी किपरी एडिट करा जाई परिबो देखंतु। ग्रुप को सिलेक्ट करी कॉन्टेक्स्ट मेनू पर राइट क्लिक करंतु। एंटर ग्रुप सिलेक्ट करंतु। ध्यान दियंतु जे ग्रुप बाहर थिबा समस्त ऑब्जेक्ट डिसेबल होई छि। ग्रुप भितरे थिबा ऑब्जेक्ट गुड़ी को एडिट होई परिबो। उदाहरण स्वरूप गछर डाहाण रे थिबा पत्र गुड़ी को सिलेक्ट करंतु एवं साइज को मानतु। एहा को अंडू करिबा पई कंट्रोल जेड दबंतु एवं आगो को बढंतु। एबे गछर साइज कमैबा उचित फळरे एहा वाटर साइकल ड्राइंग भितरे रहि परिबो। तेणु ग्रुप रो एडिट मोड को एग्जिट करिबा को पड़िबो। ग्रुप को एग्जिट करिबा पई पेज ऊपर कर्सर रखी राइट क्लिक करंतु एवं एग्जिट ग्रुप क्लिक करंतु। एबे ग्रुप रो एडिट मोड रु बाहरी गले गच्छ को सिलेक्ट करंतु एवं राइट हैंडल बटन ऊपर कर्सर बुलांतु। कर्सर रीसाइजिंग एरो रे परिवर्तन हेबो। एरो को भीतर को ड्रैग करंतु। आमे संपूर्ण गच्छर साइज कमाई छे। चलंतु एही छवि रे अधिक तीनोटी गच्छ जोग करिबा। गच्छ को सिलेक्ट करी कॉपी करिबा पई कंट्रोल सी दबंतु एवं पेस्ट करिबा पई तीनि थर कंट्रोल वी दबंतु। एहा गच्छर तीनोटी कॉपी तयारी करिबो। एबे सेगुडी को बांछित स्थान रे रखिबा। समस्त गच्छ पई एही सोपानर पुनरावृत्ति करंतु। एबे मने रखंतु प्रत्येक गच्छ तीनोटी ऑब्जेक्ट रे तयारी होई छि। प्रत्येक गच्छ मध्य निजे एक ग्रुप। आमे ऑब्जेक्ट गुडीकर ग्रुप तयारी करि छि। एही छवि रे एक वाटर बॉडी जोग करिबा। पानी रो प्रभाव देबा पई आयत क्षेत्र पाखरे एक त्रिभुज रखिबा एवं एहा परे एक कर्व जोग करिबा। त्रिभुज आंकिबा पई ड्राइंग टूलबार रु बेसिक शेप्स सिलेक्ट करंतु। छोट कला त्रिभुज ऊपर क्लिक करंतु एवं राइट ट्रायंगल सिलेक्ट करंतु। एहाकु आंकिबा एवं आयत क्षेत्र पाखरे रखिबा। एबे पानी रो गति देखाइबा पई एक रंगीन कर्व आंकिबा। ड्राइंग टूलबार रु कर्व सिलेक्ट करंतु। एबे फ्री फॉर्म लाइन फील्ड ऊपर क्लिक करंतु। एहा परे त्रिभुज ऊपर कर्सर रखंतु। माउस रो बाम बटन दाबी तळकु ड्रैग करंतु। कर्व को सजाय रखंतु जेमिति कि एहा बहुथिबा पानी परि देखा जिवो। उभय त्रिभुज एवं कर्व पानी तयारी करिबे। गोटिए ऑब्जेक्ट भाबे सेगुडी को ग्रुप करंतु। ड्राइंग टूलबार रु सिलेक्ट क्लिक करंतु। एबे पेज को कर्सर आनंतु। माउस रो बाम बटन दाबी रखि त्रिभुज एवं कर्व आवृत करिबा पई ड्रैग करंतु। राइट क्लिक करि ग्रुप सिलेक्ट करंतु। एबे वाटर साइकल रो मौलिक नक्सा तयारी करि छे। एठारे आपनक पई आउ एक असाइनमेंट। आपण निजे एही छवि को तयारी करंतु। एहा ड्र उपरे ट्यूटोरियल रो समाप्ति को आणे। एही ट्यूटोरियल रे आपण ऑब्जेक्ट सहित काम करिवार बेसिक्स जानिले एवं आहुरी सिखिले। ऑब्जेक्ट को कट कॉपी पेस्ट करिबा। हैंडल व्यवहार करी ऑब्जेक्ट गुडी को सटीक भाबे रीसाइज करिबा। ऑब्जेक्ट गुडी को सजाइबा। ऑब्जेक्ट गुडी को ग्रुप एवं अनग्रुप करिबा। ग्रुप रो प्रतिबंधक पार करी पृथक ऑब्जेक्ट गुडी को एडिट करिबा। एक ग्रुप भितरे ऑब्जेक्ट गुडी को घुंचाइबा। निम्न लिंक रे उपलब्ध वीडियो को देखंतु। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करे। जदि आपनकर भलो बैंडविड्थ नाही एहाकु डाउनलोड करी देखि परिबे। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स व्यवहार करी कर्मशाला मान चलांती। ऑनलाइन टेस्ट पास करथुवा व्यक्तिंकु प्रमाणपत्र दियंते। अधिक विवरणी पई दया करी contact@spoken-tutorial.org को लेखंतु। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू ए टीचर प्रोजेक्ट रे एक अंश। यह भारत सरकार MHRD रो ICT माध्यम रे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित। यह मिशन ऊपर अधिक विवरणी spoken-tutorial.org/nmeict-intro रे उपलब्ध। IIT बॉम्बे तरफ रु प्रदीप चंद्र महापात्र आपनक ठारु विदाय नेउछि। आम सहित जड़ित होइथिबारु धन्यवाद।